देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना ऊपर से आ चुके हैं हम। वो रोड आपको दिखते होंगे सामने, वो देखिएगा उधर। देखिएगा दोस्तों, आपको सारे रोड दिखाई देते होंगे। वो देखो कितना ऊपर से आया ना, कितना शानदार व्यू लग रहा है ना दोस्तों। बाकी दोस्तों ज़्यादा व्यू तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी साइकिल में ब्रेक बहुत कम है और स्पीड बहुत हाई हो रही है, तो बीच कुछ दिखाता जा रहा हूँ दोस्तों। मैं साइकिल कितनी स्पीड में है दोस्तों, देख रहे हैं ना दोस्तों, एकदम रॉकेट की तरह भाग रही है। तो दोस्तों चलते चलते जो है भूख लगने लगी है, और तीसरे वाले ने तो आपको पता है धोखा दे ही दिया, तो खाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं रही, क्योंकि सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर उसका था, तो मोल का तो खाना ही है। तो इन भैया जी ने रोका था हमें, दीदी देखो हमारे लिए एकदम गर्मा गर्म रोटी तैयार कर रही है ना दीदी, खाने में। और खाने में दोस्तों देखो, अचार है, प्याज है, भिंडी है, दाल है, कड़ी है, और रोटियां हैं, चावल भी होंगे, चावल भी हैं। तो कई प्रकार के खाने हैं। खाना भी ज्यादा महंगा नहीं है, 70 रुपए का प्लेट था, 70 रुपए का थाली, तो हमें 60 रुपए का दे दिया है। बोले आप यात्री हो, बाकी सेवा भी कर रहे हैं दोस्तों। खाना खा लीजिए, खाना खाते हैं फिर इसके बाद चलते हैं, क्योंकि अभी हम दिवाली खा ला चुके हैं। इसके बाद बिल्कुल दाल मिलेगा कड़ प्रयाग तक का, जिसका जिसकी दूरी होगी 36 किलोमीटर की। तो फिर तो अंधाधुन बस चलना ही चलना है बैठ के ही, क्योंकि पैटल तो मारने की जरूरत ही नहीं, ढाल बहुत है। तो फटाफट यहाँ खाना खाते हैं। तो इधर दोस्तों हमने खाना पीना खा लिया है, और भैया जी ने चाय भी पिलवाया था, पैन भी खाए थे। तो मतलब 150 रुपये में हमने इतने सारे आइटम खाए, मतलब हमारे लिए भैया ने ना ही कोई गिन के दिया ना ही कुछ, मतलब ऐसा होता है जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो गिनती की होती हैं कि 4 रोटी 3 थाली, मतलब जो भी होता है। मतलब भैया ने एकदम पेट फुल, जैसे घर पे खाते हैं ना वैसे खिलाया था। अरे दीदी दीदी जी गरम गरम बनाने पे थी और हम खाने पे थे, जैसे माँ होती है ना वो खिलाने पे होती है वैसे ही। बाकी इनका ढाबा जो है क्या नाम से, राजधानी नाम से मिलेगा यहाँ पे, कौन सी जगह है ये, दिवाली खाल, जहाँ से ढाल चालू होता है, तो वहीं पे जस्ट इनका होटल मिलेगा यहाँ पे राजधानी नाम से। तो कभी आइएगा तब देखना कि क्या आदत है भाई लोगों की इधर। और खाना भी बहुत टेस्टी था, कि ऐसा लग रहा 3 दिन में आज पेट फुल हुआ है। पेट फुल करके अब यहाँ से चलते हैं, तब तक के लिए। तो इधर दोस्तों हमारी भी साइकिल काम नहीं कर रही है, ढाल है काफ़ी, देख रहे हैं ना, अब ब्रेक जो है काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है मेरी साइकिल भी धोखा दे रही है, तो ब्रेक कसने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। भाई ब्रेक शू खराब तो ना होगा इसमें है? तो इधर हमारी साइकिल बची थी दोस्तों, जिसके ब्रेक सही थे, डिस्क ब्रेक, तो लग रहा है इसके ही ब्रेक शू खराब हो चुके हैं, क्योंकि ढाल पे यार बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं करती। तो सबसे पहले हम साइकिल संभालते हैं फिर यहाँ से चलते हैं, क्योंकि साइकिल ठीक होगी तो हम भी ठीक होंगे, है ना। तो इधर हमारा सोनू भाई देखो अपना चाय पौना निकाल रहे हैं, और अभी साइकिल संभालेंगे, है ना। तो इधर दोस्तों देखो सोनू भाई एकदम ब्रेकों को संभाल चुके हैं, देखो एक कस दिया, अब आ रहा है सही ब्रेक, देखो हाँ वैसा लग रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें होता है ब्रेक भाई, यार साइकिल नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि इसके ब्रेक शू खराब हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम अब साइकिल की दुकान देखेंगे संभालने के लिए। और दोस्तों बहुत आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि तो ढाल है बहुत, स्लोली स्लोली निकलेंगे यहाँ से, तभी वहाँ तभी साइकिल दुकान पे ये संभलवाने की कोशिश करेंगे, तभी साइकिल दुकान पे ये संभलवाएंगे, फिर अंधाधुन चलेंगे। अभी तो हल्के हल्के टाइम पास करना है खाली यार।
देखिएगा दोस्तों, कितने शानदार शानदार नज़ारे हैं ना ये, एकदम मज़ा आता होगा देखते हुए दोस्तों। देख रहे हैं ना, काफ़ी पहाड़ों के बीच में हम आ चुके हैं। अभी कर्णप्रयाग यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया दोस्तों। कितने छोटे छोटे घर लग रहे हैं ना एकदम, देखिएगा वाह। अभी हमें वो वाले रास्ते को निकलना है जो नीचे को ये गया हुआ है ना, वो गांव दिख रहा है, उस गांव में पहुंचेंगे अभी। उससे और नीचे डाउन, वो नीचे बहुत बस्ती दिख रही होगी आपको, वो देखिएगा ये सामने।